इस वक्त हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आसाने पर मौजूद हैं। जैसे आपको मालूम है कि हर साल जो है उनका उर्स बड़े अकीदत के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो गद्दी नशीन है वो मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उर्स के बारे में और हज़रत के बारे में दो बातें करें। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम है सैयद सैफ कुतुबी और ये अभी सरकार का 811वां उर्स शरीफ मनाया गया है, जिसमें कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का गुस्ल शरीफ होता है। उसके बाद गुस्ल शरीफ के बाद तबरुक बटा जाता है, लंगर होता है, फिर ईदुल मिलादुल नबी का प्रोग्राम होता है। 13 तारीख को जो है हुजूर की चादर पेश होती है, जो कि हुजूर गरीब नवाज से आती है, जो कि आज से नहीं 800 साल से वो रस्म चलती आ रही है। वो चादर पेश होती है, फिर महफिल समा होता है, फिर लंगर होता है। और 14वीं शरीफ को 14 तारीख वाले दिन, जिस दिन सरकार का पर्दा हुआ था, आपका विसाल हुआ था, उस दिन आपका खुल शरीफ होता है दिन में 11 बजे। तो ये उर्स के सारी चीज़ें रहती हैं। 12, 13, 14 तीन दिन उर्स यहाँ पे मनाया जाता है हुजूर का। आप जो हैं हुजूर गरीब नवाज के जानशीन हैं, खलीफा आज़म हैं, चिश्तिया सिलसिले के आप दूसरे बड़े बुज़ुर्ग हैं। हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी गद्दी अगर है अजमेर के बाद तो ख्वाजा कुतुब साहब की है। आप बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के भी पीरो मुर्शिद हैं। आप गरीब नवाज के साहबजादे के भी आप पीरो मुर्शिद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दादा पीर हैं आप। जी, ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सरवाड शरीफ में मज़ार है, उनके भी पीरो मुर्शिद आप हैं। तो कुतुब साहब का वो मर्तबा है, यहाँ की हाज़िरी और यहाँ का शर्फ भी हर किसी को नसीब नहीं होता। यहाँ बहुत किस्मत वाले लोग आते हैं और बहुत सिलेक्टेड लोग आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं, नहीं तो यहाँ पे हर किसी की हाज़िरी नहीं होती। वो दरबार है सरकार कुतुब साहब। ज़ाहिर है, जैसे नाम ही कुतुब है, कुतुब का मतलब ज़िम्मेदार है, लेकिन काकी जो इनका तखल्लुस पड़ा था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। कुतुबुद्दीन मैं बताता हूँ, आपका असली नाम जो है वो है बख्तियार। कुतुबुद्दीन आपको लखब मिला अल्लाह की तरफ से कि तुम्हें सारे आलम का कुतुब बनाया। काकी आपको लखब मिला, फ़ारसी में काकी बोलते हैं रोटी को, काक को। तो आपके लिए आसमान से बहुत सारे वाक़ियात हैं अल्लाह की तरफ से उतरा करती थी, इसलिए आपका लखब काकी है। बाकी आपका असल नाम है बख्तियार। जो ज़ाहिरीन आते हैं ख़ासकर उनके लिए क्या कहना चाहिए? ज़ाहिरीनों के लिए ये देखिए, दरबार इतना बड़ा दरबार है कुतुब साहब का। यहाँ पर अमीर, गरीब, अच्छे बुरे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मज़हब के लोग आते हैं और सभी को इस दरबार से फैज़ मिलता है, क्योंकि ये दरबार ख्वाजा साहब बैठे ही देने के लिए हैं। यहाँ पे जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, सबकी मुरादें झोलियाँ भरती हैं, इसीलिए यहाँ पे लोगों का ताता लगा रहता है। बस जी, ये बहुत बड़ा दरबार है, दिल्ली के शहंशाह हैं आप। देखिए, दिल्ली के शहंशाह हैं और यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि बख्तियार नाम था और कुतुब यहाँ लकब दिया गया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह। काकी फारसी में रोटी को कहते हैं, जो कहते हैं कि ऊपर से आपके लिए उतर कर आती थी। तो आप उनका मर्तबा जान सकते हैं। अगर अजमेर शरीफ के भाई वो ख्वाजा हैं और यहाँ कुतुब साहब दिल्ली में बैठे हैं, तो आप इनका मर्तबा जान सकते हैं। कुतुबुद्दीन यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग आते हैं इन आस्थाने पर, अपनी मुरादें पाते हैं दिल्ली से। एमरामिश आमीन। آمین آمین دشتے زمین خدا نصیب دی آمین آمین
सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।